साथियों, अब कच्ची बस्ती वालों को हगने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और जो भाई बंधु मग्गे और बाल्टी लेके आए हैंगे, मैं उनसे बस इतना कहना चाहता हूं कि कल से पानी और नल दोनों चालू हैगा। इस मौके पे एक शेर याद आ रहा है, अर्ज करता हूं कि आंखों पर कभी न बांधो पट्टियां, ओ जाने वालों खुले में कभी ना जाओ टट्टियां। अब के जिज्जा जी से निवेदन करता हूं कि वो यहां आए और आपसे दो शब्द कहें। जिज्जा जी, दो शब्द। लेडीज बहनों और जेंटलमैन भाइयों, इंग्लिश, हमने हमेशा बड़े बड़े महापुरुषों से सुना हैगा कि जीवन में रोटी कपड़ा और मकान जरूरी है। एक फिल्म तक बन गई, लेकिन फिल्म में भी कमी थी और महापुरुषों के कहने में भी कमी रह गई। इसलिए हमने इसमें एक चीज और जोड़ दी हैगी, रोटी कपड़ा और मकान और हगने के लिए शौचालय। आपको मालूम है इसके नीचे उतरे बिना क्या हाल होता हैगा? शौचालय नहीं होने से हमारी माता बहनें रात का इंतजार करती हैं कि अंधेरा हो तो निपट आए। लेकिन अब आप सिर्फ 2 रुपए में अपने पेट के मलबे से फ्री हो सकते हैंगे। हमारी दुर्लभ शौचालय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने पैकेज डील भी करी हैगी, फैमिली पैक पे भारी छूट, पूरे परिवार के साथ आओ और शहर को गंदगी से बचा लो। हमने आगे की प्लानिंग ये भी कर रही है कि पास में ही हम ठेके दे रहे हैं गोलगप्पे वाले को, पूरी छोले वाले को, कुलचे भटूरे वाले को, खस्ते वाले को, कि वहां पे पहले खाओ और फिर सामने जाओ। अरे भैया, खाएगा इंडिया तभी तो जाएगा इंडिया। जय, इस उपलक्ष में हमने एक लक्की ड्रावर भी निकाला हैगा। जे वाह, जे आज के विनर हैंगे फजलू खा चूड़ी वाले और चंदू मदारी, जे दोनों जहां टट्टी जाकर इसका उद्घाटन करेंगे। जे, मुझे आज जे बात बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी कंपनी दुर्लभ शौचालय प्राइवेट लिमिटेड का टर्नओवर 25 करोड़ रुपए हो गया है। जे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग आज जय बुलाई गई कि हमारे चेयरमैन पापा जी कुछ कहना चाह रहे हैंगे। ओवर टू पापा जी। बड़ी खुशी की बात हैगी कि कंपनी को फायदा हो रहा है, लेकिन मेरे दिल में एक बात आ रही है, वो भी कहना जरूरी है। और वह बात ये है कि बिजनेस में तो हम आगे बढ़ गए हैं, लेकिन वैसे पिछड़ गए हैं। पिछड़े कहाँ आएंगे, सब कुछ अच्छा तो चल रहा है। सच्चेरी जी, हाँ? इसलिए मैं सोच रहा हूं कि ये बिजनेस थोड़ा बदल दिया जाए, बिजनेस चेंज कर दें और सच्ची मुच्ची में रेस्टोरेंट के बिजनेस में हाथ डालें। वाओ! अच्छा, वाह 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 वाह, गजब। जे, हमारे चेयरमैन साहब का आइडिया गजब हैगा। अरे, जिस काम में एक्सपीरियंस नहीं हैगा वो काम करेंगे कैसे? मैं तो ये कहना चाह रहा हैगा कि टट्टियों का तजुर्बा तो हम सबको हैगा, है ना जी? जी, तो हमें अपना बिजनेस ही कैंटीनिस करना चाहिए,
ये बात कह के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जी बिल्कुल जी, बुढ़िया जी एकदम सही कह रहे हैंगे, मैं उनके साथ हूँ, घर में भी जे बिजनेस में भी, जे कह के मैं भी अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। देखिए मैं इस बात से अग्री करती हूँ दैट मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमें अपना बिजनेस चेंज कर लेना चाहिए। रेस्टोरेंट इज सच अ कूल आइडिया पापा। अरे जे क्या कह रही है, ये पागल हो गई है क्या आप लोग? रेस्टोरेंट्स के बिजनेस के बारे में कुछ पता हैगा? बेटर रसोईया भाग जावे, लाइसेंस हजार टेंशन हैगी, लोग आवे धीरे धीरे, खावे धीरे धीरे और जावे धीरे धीरे। और जे अपने बिजनेस का तो कुछ अलग ही मजा आएगा, लोग फटाफट आवे फटाफट जावे, ना उनका टाइम वेस्ट ना अपना टाइम वेस्ट। मुझे अपने भांजे पे गर्व हैगा, परफेक्ट बिजनेसमैन हैगा हमारा चमन। तो मेरी तो ये राय हैगी कि हमें अपना बिजनेस ही कैंटीनिस करना चाहिए। बोर्ड की क्या राय हैगी? टट्टियां, जय हमारा बिजनेस, जय अपनी पहचान, वोटिंग होगी। चल आप नोट कर लियो। चलो जी जी रामदेव की जय। बीजे चमन के साहब का इकलौता मुंडा है। अरे वो पम्मी की वो पैन के बच्चे आए थे ना, तो ट्रेन से टिकट ही मिल रही थी, चमन इसी ने टिकट करवाई थी। अरे बड़ी बड़ी सोर्सें हैं इसकी, पूरे यूपी में करीब है बेटा कितने? जी 150। 150 150 रेस्टोरेंट चल रहे हैं इसके। अंकल अब तो रेलवे बस अड्डा और एयरपोर्ट का काम भी हाथ में ले लिया है। गॉड ब्लेस यू। अगर कुछ काम हो तो बताइए। कि आपके रेस्टोरेंट में क्या क्या स्पेशल बनता है? जी वो अरे पगड़ी स्पेशल क्या होता है? अरे सब कुछ बनता है स्पेशल, क्या नहीं बनता? ते चाइनीज से लेके ते डोसा ते भटूरा या उड़प्पी। जी जैसे ग्राहक आवे है वैसे आउटगोइंग जावे है। ओए पम्मी, ओए लड़के का थोबड़ा देखती रहेगी या कुछ खाने को भी देगी? नाना मैयत रोड। मैंने सुना नहीं कभी ये नाम। सुना तो मैंने भी नहीं, शायद अब सुनेंगे भी नहीं। अच्छा खैर बेटा वो क्या है चमन, हमें लड़के के खानदान में बस क्या, ऊंची जात ते ऊंची पात। ते बड़ा खानदान ते बड़ा बिजनेस, इनफ और की चीज है। पर नाश्ता लग गया जी। अरे अरे सर आइए नाश्ता। चलिए चलिए आ जाए बेटा। हाँ बैठ। अब बेटा तुझसे क्या छुपाना, ये शैली की बुआ है, मेरी छोटी बहन बबली। इसने ना हमारे खानदान की नाक कटा दीती है, कहंदे भी शर्म आंदी है, हैगा ना हरामी कबाड़ी वाला, साड़ी बबली नू पका के लै गया है। बबली का तो पिंडदान कर दिया था मैंने, बाकी बचा ये, इसकी तस्वीर मैंने इसलिए लगा रखी है कि ये मुझे याद रहे। जिस दिन ये मुझे मिल गया ना, मैंने इसके टुकड़े 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 कर देने। तभी से मुझे इन कबाड़ियों से नफरत है। शास्त्रों में कहा है
आदमी कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, उसकी जात और उसका खानदान असर दिखाई देता है। अरे राक्षसो, मेरा ही घर मिला था डाका डालने के लिए, मैं लूट गया, अब ना हो सक रही है कुछ। कहा गई मेरी बहन मीठी, जे वही मेरा दर्द समझेगी। ये कपड़े लॉन्ड्री में दे देंगे। पंडित जी, आप पहले कुड़ी से ब्याह दा अच्छा सा मुहूर्त निकाल दो। पर लड़के का खानदान और उसके गुण जानने के लिए तो उसकी जन्म कुंडली की बहुत जरूरत होती है, अब वो मंगवा दो आप। उमंग है मेरी जिंदगी है क्या, नास्तिकी कटी पतंग है। ए माई कटी पतंग, जरा मेरी तारीख बताइयो पैदा होने। अरे मौसम याद नहीं, बस आम बहुत खाए तेरे बखत। ए चंदू, हाँ बटन लग। अब पापा ये तुम ही बता दो, कौन सा साल दिन महीना था मेरे पैदा होने का। हर काम मेरे से ही पूछ के करे, कोई काम खुद मत करियो। हाँ तेरा काम है तू खुद ही याद रख। अरे जे पैदा तुमने किया याद मैं रखू कि कट्टे आज तू पैदा हो रही है, डेट नोट कर ले, किस्मत में अनपढ़ कबाड़ी बाप लिखा था मेरी। तूने बड़ा पढ़ लिया, लिखा तो इतने बड़े स्कूल में नाम, छठवीं फेल कहीं का। कितनी बार फेल हुआ? अरे तू तो अपनी ड्यूटी कर, समझा कर यार, याद नहीं है। अरे कसम से अपनी गवर्नमेंट आ गई है, जब की गलती का कंपनसेशन दिला देगी। सन 75 के नसबंदी अभियान में बिना नसबंदी छोड़ दिया इन्हें, जो नसबंदी हो जाती तो हम पैदा होने से बच जाते। 100% आपकी नसबंदी की बात कर रही है लौंडा। तो शर्म नहीं आया? अरे जय सच कह रही हूँ। अरे मेरे सामने तो माँ बाप हेंगे, त्रिशूल देख लो, चे लावारिस, छोड़ मुझे। अरे सही कह रही हूँ मैं तो शर्म नहीं। जीजी ये यूट्यूब वाले सीक्वल मांग रहे हैं। हमारा कबाड़ी समाज कभी भी हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु में कभी फर्क नहीं करता हैगा। पेपर किसी भी भाषा का हो, चाहे किसी भी भाषा का हो, हम सबको एक ही तराजू पे तौलते हैंगे। अरे ये किसका फोन बज रही आएगा, इतनी तमीज नहीं आएगी कि फोन बंद। हमारा फोन बज रहा हैगा। अरे जीजा जी वहां भी और यहां भी। क्यों जीजा जी? कुत्ते के पल्ले। तेरी हिम्मत कैसे होगी कबाड़ियों के बैनर पे मेरी फोटो लगाने की? अरे इसमें हिम्मत की क्या बात होगी जीजा जी, वो यहाँ फंक्शन में चीफ गेस्ट बना के बुलाया हमें, तो जीजी ने कहा आपका फोटो लगवा दें, बिरादरी में धाक जम जाएगी। चुप साले, मैं बड़े लोगों के बीच में अपनी इज्जत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और तू मुझे टांग पकड़ के नीचे खींचने पे तुला हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरी बच्ची के साथ ही बड़े लोगों में हो जाए। मुझे फंसा दिया जीजी आपने। जीजा जी नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि वो जीजी ने कहा कि बच्चों के रिश्तों के लिए अपनी बिरादरी के भी दो चार रखते हैंगे ना। कुत्ते के पल्ले एक बात सुन ले, अगर तूने ऐसा किया मेरी बात नहीं मानी ना तो भा बबली का भाई अरोड़ा अब भी गाड़ी में बैठा है, मैं जाके बता दूंगा। बबली तेरी लैब से आउट हो जाएगी साले, इतना ध्यान रखना। मैं ऑटोग्राफ बाद में। भाई लोगों आप लोग शांति बनाए रखें। ब्रह्मचर्य नहीं तो युवा ब्रह्मचारी बनो, ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है, जीवन ऊर्जा का पुंज है और स्त्री पूरी की पूरी ऊर्जा खींच लेती है। ये बीवी के अलावा आपने देखा होगा, बस यही देखते हैं। टिल्लू पंप, स्त्री बड़ी मोटर है तो स्त्री से जितना दूर रहे उतना अच्छा, एनर्जी बचाइए और स्त्री से हमेशा 2 फुट दूर रहिए।
इसलिए स्वामी जी जो भी कहते हैं आप अंदर बोल क्या का पालन कीजिए क्या और इस जगत में खुशहाली लाइए। वशी ने फिर दौरा पड़िया सी बीमारी से बचा मैसी पुत्र मैसी पुत्र उठ 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 तेरे डॉक्टर को ले जाना है उठ ओ किली तबीयत कर पाएगी मैं ना कहती सी इतना ब्याह करा दो पर तुसी लोग मेरी गाली नहीं सुनते हो अरे इन्नी उम्र हो गई मैं कहती हूँ किसी भी जात का होए किसी भी उम्र का होए इतना ब्याह करा दो अरे एनु टच सिंड्रोम होया हैगा ओए बीजी एनु कोई टच सिंड्रोम नहीं होया है एनु डकारा था तौरा पड़िया है मेरा नाम है परमिंदर प्यार से लोग मुझे मम्मी कहते हैं राजी क्या कुछ नहीं जी कुछ तो कुछ नहीं तो सी मम्मी हियर की गल है वो एवी ना मम्मी क्या मैं की कह रही हूँ तुसी किसी डॉक्टर नु क्यों नहीं दिखा लेंदे हो क्यों क्यों है मैनू गल है तुसी मैनू इतने साल ते छोए ही नहीं है ना ओए पम्मी ठंड कर तेनू शर्म नहीं आती है कि बुढ़ापे विच जवानी की आग लगी है जा ठंडे पानी विच ना ले खाली पीली एनर्जी वेस्ट ना कर एनर्जी बचा के तुसी पार्लियामेंट की बत्तियां जला दी है या बिन बिजली की ट्रेन जला दी है ओए बम्मी बस भुरिया जी कल लौंडा बता रहा था इन कचरा पिट्टी बिनने वालों के तो दिन फिर गए इनकी तनख्वाह सरकार ने 20,000 कितने 20,000 से शुरू की है और खत्म हुए हैं 50,000 पे जाके कचरे की नौकरी वास्ते नीचा बनने को बड़ी बड़ी जात वाले तैयार हैंगे और एक अपने कल्लू जीजा जी हैंगे कल्लू ना का के जीजा जी जे छुपाओ वो छुपाओ किसी को मत बताओ कि हम क्या हैंगे कसम से जीजी कभी कभी ना मीठी के लिए भूरिया मामू रिश्ता लाए हैं मुलाहिजा फरमाइए हमारे इतने बड़े घर में आपका स्वागत है ओहो भाग्य ओहो भाग्य ये सामने हैगी मीठी की फोटो ओहो इसने अंग्रेजी स्कूल से पढ़ाई की हैगी क्या बात है प्रभु आइए 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 बहन जी ये देखिए केके जी को छत का बड़ा शौक है तीन तीन छत हैंगी आइए 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 देखिए दो वो बर्फी हाँ हाँ और ये नहाने के दो 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 का है ये जनानी वो मर्दाने इसमें रोज रोज नहाते होंगे नहाते धोते सब हफ्ते में दो बार नहाते भी हैं धोते भी केके जी 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 हमारी फैमिली आती है ये जी लाल वाली है नी गोरी सी सोने से लदी हुई वो हमारी है हरी जी जी और वो पीली वाली जो है वो इनकी लुगाई है भाग के आई थी मतलब बड़े भाग से आई है और बीच वाली तो आपकी है ना वो तो एक ही है आपका नहीं प्रणाम माता जी अच्छा वैसे आपको हमारा लखनऊ कैसा लगा मुंबई से तो छोटा है क्या बात है अंकिल वैसे मीठी की फोटो देखी मैंने आई एम थॉटिंग गुड अट्रैक्ट है और मुझे लगता है कि शादी जल्दी सेटिंग हो जानी चाहिए अपनी ताकि अपने को वैसे लफड़ा नहीं है लेकिन मुंबई रिटर्निंग रिजर्वेशन डिफिकल्ट है हमारी मीठी के साथ शादी की बात फाइनल हो गई तो वापसी जो है फ्लैट में भेज देते हैं जी बिल्कुल क्या बात है आपको और दिखाते हैं जी 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 थोड़ा ऊपर पहुंचा आइए 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 जी जी
जी हमारी घर वाली मेहमान आ गए हैं। आइए आइए इधर आ जाओ। ये आथी पार्क है और ये हमारे चैन ऑफ रेस्टोरेंट चल रहे हैं। आपका बिजनेस क्या है? बहुत बड़ा बंगार का है। स्क्रैप डीलर अंकल। स्क्रैप डीलर। डीलर हैंगे जिज्जा जी। पापा बस रहे। वैसे अंकल अगर आसपास कोई फाइव स्टार होटल होवे तो अपन लोग सेटल हो जाएंगे हैं? अरे यार इतनी बड़ी कोठी काहे को हैगी। कोई परेशानी हो तो बोलो। वैसे हमारे गेस्ट हाउस की है। ओहो भाग्य ओहो भाग्य। केके जी अपनी मीठी। मीठी ओके मेहमान। मीठी जे है मुंबई के सीताराम जी और वो है इनकी माता जी और जे है इनके पिताजी। कंफर्म कंफर्म। हेलो नमस्ते मैं चलती हूँ मुझे थोड़ा काम है। इनसे अंग्रेजी में बात करें। क्यों भाई इनके तो सर के ऊपर से चला जाए। कर ली अंग्रेजी में बात की। हेलो अंकल जी। हेलो आंटी जी। ओके सीताराम जी बाय बाय। बाय आपकी कंटवेट में पड़ेगा। क्या मस्त जगह है बापू एक नंबर। पर बापू आई बंगाल वाला काय को बोली तूने संभाल लिया? संभाल तो लिया लेकिन समझा करो बापू। पार्टी बहुत रिच है। एक बार शादी हो गए तो अपन सेट है समझे। अरे विठल बाबा सब ठीक करेंगे। लोग की संडास भी अपने खोली से पड़ी समझा करो। ए रिक्शा इकड़े आ भैया। आ भैया चलो गोमती नगर। गोमती नगर आए। अरे एक मिनट रुको। पप्पू चाट भी हो जाए। लड़का अच्छा हैगा बस बोलता जरा कम है। हाँ हूँ थैंक यू ओके। अरे तू रही गमार की गमार। वो बड़े लोग हैंगे इसलिए हिंदी नहीं आती हैगी। स्केप डीलर। स्केप डीलर का मतलब समझती है तू? ए भूरिया ए भूरिया। हाँ जी जी ऊपर आइयो जरा। जी 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 फिर से गैस की प्रॉब्लम हो गई क्या? जी बता जे स्केप डीलर क्या होता हैगा? स्केप डीलर केप का मतलब तो टोपी हो गया है जीजा जी। अब उसके पहले इस का मतलब उस। आप तो डीलर पे फुल स्टॉप लगाइयो जीजा जी हैं। वो अपने बिरमानी साहब है ना स्कूटर के डीलर हैंगे बहुत बड़े आदमी है। बस डीलर याद रखो आप हैं। प्रॉब्लम नहीं मैं तो डर ही गया था। फिर से जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। जीते अपनी मीठी हैगी। गुड नाइट। बाय मीठी। और घर पे सीताराम का क्या होगा? बाय बाय बाय। देखा ये तो चीनी हैगा। वो चीनी नहीं हैगा। चीनी नहीं हैगा बड़े देखे चीनी मैंने चपटी ना। अरे वो मणिपुरी हैगा। तो जो चीनी को मणिपुरिया कहते हैंगे के? मैं मीठी के कमरे से मैप ला रही हूँ। चिट्ठी फेल हूँ तो क्या हुआ पाची पास भी तो हूँ। मुझे तो लग रहा है कि मीठी को चीनी ने फांस लिया है। यार मुझे जे याद आ रहा है कि एक बार छज्जू चाचा बता रहे थे कि जब मैं छोटा था तब चीनियों ने कर ली थी हमारे साथ लड़ाई। पदा पदा के मारा था। किसे मारा? अपने
और ललकार फिल्म में धर्मेंद्र को भी तो चीनियों ने ही मारा हैगा। छज्जू चाचा जी भी बता रहे थे कि उन्हें पक्का डॉट है पूरा सा पूरा कि नेहरू जी की जिंदगी को भी ना चीनियों ने फिनिश कर दिया था। ये लो अब चाचा नेहरू के बाद हमारे घर का लंबर लगाया है कम्बक्त चीनियों ने। मुझे तो नफरत हैगी चीनियों से। देखो जी हैगा भारत और ये हैगी अपनी नखलाऊ। अरे चुप कर। ये हैगा मणिपुर। ये अपने देश में ही हैगा। बस थोड़े से नया नक्श अलग होते हैं। इसका मतलब ये हैगा कि भारत ने चीन पे कब्जा कर लिया हैगा। जीजा जी मैं कहता था ना मोदी जी एक दिन कमाल करके दिखाएंगे लेकिन अच्छे दिन इतनी जल्दी आ जाएंगे ये नहीं सोचा हैगा। पापा मैं ये कह रहा हूँ कि चैंग के पिता ना बहुत बड़े ऑफिसर हैंगे पर्यावरण मिनिस्ट्री में अपने को ठेका वेका भी दिला देंगे। चलो वो तो ठीक है लेकिन सीताराम अच्छा रिश्ता है स्क्रैप डीलर है मीठी राज करेगी। जय वो उस स्क्रैप डीलर को कह दियो कि अपने लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढ लेवे। मैं अपनी बहन मीठी की शादी किसी अनपढ़ कबाड़ी से नहीं होने दूंगा। कबाड़ी जी स्क्रैप डीलर का मतलब पता हैगा? कबाड़ी का धंधा। अनपढ़ नॉनसेंस फैमिली गलती से मिस्टेक होगी है कि कबाड़ी मेरी बेटी के साथ शादी करने के सपने देख रहे आएगा। ये देखो गुनाहों की चड्डी पे लगा के बिरादरी के दाग जब धोने लगे लल्ला तो निकल गया जाग। शेर अच्छा है बाद में मतलब समझा दियो। अभी समझाता हूँ अभी वापस पवेलियन की ओर लो। अब हम के साहब हैं तू एक शरत पर ही रह सके। आप जो कहें जीजा जी कबाड़ियों से कोई नाता नहीं रखेगा। ये कबाड़ी क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं है। बबली बबली अपने जीजा जी आप कबाड़ी नहीं है। कट्टे कल्लू भूरिया और सबसे बड़ा इंग्लिश स्कूल। जीजा जी 3 किलो का तो है गई हैगा। ठस्सी का क्या? वैसे हम तो जमींदार हैंगे गांव के जहाँ का तो हमें कुछ पता नहीं हैगा। देखो दान पेटी में चंदा जितना डलवाना है डलवा लो उसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। नो प्रॉब्लम मिस्टर केके। यू आर माय चाइल्ड टेल मी। ओह नाम बताओ बेटा क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ बेटा। चमन 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 रहेगा। जी 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 लौंडे को चमन बना दिया। कुछ सुनाओ बेटा कोई गाना कोई पोएट्री सुनाओ सुनाओ घबराओ नहीं। कबाड़ी चंपी तेल मालिश जी पानी तो बहुत ठंडा है। ए पप्पू कल से इस पुल में गीजर लगवा। जी सेठ जी जो आज्ञा हो आपकी। क्या हो गया? चुप चुप खबरदार जी बड़ भी कभी अपनी जबान पर लाए तो इतने बड़े स्कूल में पढ़ा फिर भी पांचवी फेल कहीं का। सॉरी पापा। यक उफ पूरा घर दंतमंजन से भर रखा है। मामू मम्मी ना कभी नहीं सुधरेंगे। बस क्लास बनी तो मीठी की अंग्रेजों वाली। देखो इतना गंदा कर
रखा है? जे अपना बाथरूम यूज कर लिया कर तू। लो, हाथ धोने के लिए भी ऊपर जाओ। जे नहीं सुधर रही हैंगे। मैं जा रही हूँ। अब क्या हो गया हैगा? आप लोगों की ना कोई क्लास है ही नहीं। सब कुछ तो है मीठी घर में, अभी खिलास खिलास क्या आएगी? आप लोग टॉयलेट जाते हैं लेकिन फ्लश नहीं करते। भुरिया। अरे टीवी पे सारा दिन दिखाते रहते हैं जी जी पानी बचाओ पानी बचाओ, तो मैंने भी आर्डर पास किया हैगा, एक बार जब सारे निपट लें तो सबके किए किराए पे पानी फेर दो। सुरमा तो चमन ने भी लगाया, पर अपने से बढ़कर इन्हें लोगों की फिकर हुई और बिजनेस बनाया दुर्लभ, यानी इनके ब्रांड का नाम है दुर्लभ। पूरे यूपी में 150 दुर्लभ शौचालयों का मालिक है हमारे चमन। लाखों का टर्नओवर है पर कलेक्शन खुद ही करती है विदाउट एनी घमंड। वृद्ध और अनंत ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में असंख्य आकाश गंगाएं, अनगिनत स्वर मंडल और सोलर सिस्टम, और उनमें हमारी नन्ही सी पृथ्वी। ए भगवान। कौन? मैं। अरे मैं कौन भाई? मैं भगवती प्रसाद। अरे अरे पंडित जी। जी हाँ नमस्ते, राम राम, कैसे हो? क्या करें, पानी नहीं है। क्या पानी नहीं है? ये तो सरकारी शौचालय जैसी बात होगी, इसको बताना पड़ेगा चमन बच्चे को अपने, ऐसे कैसे धंधा चलेगा ससुराल। अरे पानी नहीं तो क्या? अच्छा हाँ ठीक है। अरे चलो शुक्र है हमारे पास पेपर है अखबार है भाई। अरे ये लो पंडित जी। हाँ हाँ दीजिए ना। पंडित जी हाँ देखता हूँ इसमें काम हो गया तो ठीक है। अंदर जा रहा, चलो काम आएगा अंदर पक्का। अरे चमन ये बात आए भैया चमक आ गई, देखा मोहब्बतों का इत्र का कमाल। चचा मजा आ गया, जिंदगी महक रही है मेरी मोहब्बत। अच्छा तेरे अब्बा को मैंने हसरतों का सुरमा दिया था, चल रहा है गाना? हाँ चल रही है। अच्छा बेटा एक बात सुनो, इतने इतनी अच्छी शौचालय बना ली है पर सरकारी शौचालय की तरह इसमें पानी नहीं है। अब वो तो शुक्र है अल्लाह का कि मेरे हाथ में अखबार था भाई, मेरे भी काम आ गया और पंडित जी के भी काम आ गया है। कम से कम बाहर लिख तो देता ना कि पानी नहीं है अंदर। चचा मैं ध्यान रखूंगा। थप्पड़ अरे जे टट्टी के हाथ लग गया, तू पानी लेके आ जल्दी अंदर से। चचा वो नहीं तो हाथ तो धो लेते। तो ठीक है आपको हम 30 दिन में इंग्लिश कैसे बोलते हैं वो भी सिखा देंगे और आपकी ग्रूमिंग भी हो जाएगी। बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमारे गुरुजी तो इटावा के साइड रहते हैं। अरे नहीं नहीं गुरुजी नहीं, ग्रूमिंग मतलब है कि आप बड़े लोगों में कैसे उठते बैठते हैं, कैसे बोलचाल है, वो होता है ग्रूमिंग, तो वो भी सीख जाएंगे आप। अरे मैडम जी ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बोलो। नहीं हम एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे बाद ना हमारी मिसेज चंदो को भी कुछ सिखा दो आप, दिन भर शहर में घूमती हैगी, कुछ काम है कर, लेकिन ध्यान रहे किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम आपसे सीख रहे हैं। जी बिल्कुल किसी को पता नहीं चलेगा, पर आपकी जो मिसेज है वो आप ही के साथ सीखेगी। नहीं 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 वो अलग और मैं अलग, तो मैं प्रेबिट सीखूंगा। तो पहले हम अल्फाबेट से शुरू करते हैं ठीक है? ए फॉर एटा। और एक सेकंड। हेलो हाँ अच्छा तेजी से आ गई। हाँ अच्छा मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। हमारी हमारी मैसेज माई मैसेज यस देवी आ गई। कम देवी देवी आप चलो हमारे साथ, खुद ही देख ले। आओ आओ चलो फटाफट चलो आप। मैडम वो मेरी मिसेज है, उसकी बॉडी पे देवी आ गई है। माता दी शरारत है जी, माता की शरारत है, चंदो
को इंग्लिश बिंग्लिश नहीं सिखाना आएगा, नहीं सिखाना। बहुत